सबसे जो प्यारी रास लीला को वर्णना करने जा रहे हैं। कुछ कुछ लोग भगवान के ऊपर में शंका करते हैं, अरे क्या भगवान सब लड़कियों को लेकर के नाच किया है। देखो ये जो गोपियां है ना, ये कोई लड़की नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ये ब्रह्मा कह रहे हैं ये गोपियां है। एक और उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण, जब कृष्ण लीला करने के लिए इच्छा की, वो अकेले लीला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वाम अंग से श्री राधा जी को प्रकट किया। पर राधा जी ने देखा मैं अकेला कृष्ण को कितने सेवा करूं, तब श्री राधा रानी अपना एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी रूप धारण की। जैसे एक एक गोपी और एक एक राधा जी की भाव है। अगर भगवान कृष्ण को गोपियों को साथ में रास किया है ना, अब मेरे तरफ में देखो, अगर मैंने इसी हाथ से और इसी हाथ को इन्हें पकड़ा, कोई दोष है इसमें? अगर इसी हाथ, इस चीज को समझ लो, अगर इसी हाथ से अगर हम इसी हाथ को पकड़ लिया, इसमें कोई दोष है? कोई दोष नहीं है। इसलिए ये गोपियां और कोई नहीं है, ये कौन है? कृष्ण की अभिन्न स्वरूप राधा रानी, ये राधा जी ही वो एक एक भाव को गोपी रूप में प्रकट की। गोपियां और कोई नहीं, ये सब कृष्ण ही स्वयं एक एक रूप धारण करते हुए। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो अपना आत्मा को साथ में ही खेलते कूदते हैं, वो और किसको साथ में खेले नहीं। हाँ कहती है गोपियां कौन है, अब सुनो ये गोपियां कौन है। कि गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, जब भगवान राम वनवास में दंडकारण्य में पहुंचे, ये ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे, खाना पीना छोड़ करके कठोर तपस्या कृष्ण को पाने के लिए गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे, पुरुष शरीर है ऋषि, लेकिन भगवान राम को देख करके ना इनके अंदर में गोपी की भाव प्रकट हुई। बोले प्रभु हमें स्वीकार कर गोपी रूप में। भगवान राम ने कहा देखो ये मेरी जो लीला है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं एक सीता को छोड़ करके और मैं किसी को धारण नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा, मैं लीला पुरुषोत्तम रूप में आऊंगा, मैं सबका इच्छा कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा।
हे ऋषि तुम सब के सब ब्रज में गोपी बनकर के आओ, ये सब के सब गोपी। और कौन गोपी आए? कभी जो वेद का जो मंत्र थे, इन लोगों ने एक एक मंत्र वेद का और एक एक गोपी रूप लेकर के बड़ी कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु ये गोपियों ने जैसा हमको प्रेम की ना, हम चाहते हैं हम एक एक मंत्र गोपी रूप में अवतीर्ण होकर के आपकी चरण की हम सेवा करें। भगवान बोले तथास्तु। ये जो वेद मंत्र एक एक ये गोपी रूप धारण की। बोले और कौन गोपी बने? जब भगवान राम जनकपुरी में गए, जनकपुरी में जाते समय भगवान राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी को बोले, बोले गुरु जी थोड़ा हमें आदेश दो, हम थोड़ा ये जनकपुरी दर्शन करके आए। विश्वामित्र क्या दर्शन करने नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी के अंदर में प्रवेश किए, जो एक बार प्रभु को रूप को देखे निहाल जाए, क्या सुंदर जोड़ी है, मानो एक साथ में ये चंद्र सूरज एक साथ में प्रकट हो गए। और जिस गली में जाए उसी गली में बोले श्री सियावर रामचंद्र की, गली गलियों में प्रभु की चर्चा। अभी जितने सब थी जनकपुरी के, जितने सीता जी की सहेलियां, वो सबके सब प्रभु राम को पति रूप में प्रार्थना की। बोले नहीं, रामावतार में एक सीता के सिवाय और मैं किसी को ग्रहण नहीं करूंगा, तुम सबके सब गोपी बन करके आओ। वो सबके सब गोपी बन करके आए, कुछ श्रुति चरी, कुछ मुनि चरी, कुछ दंडकारण्यका बड़े बड़े ऋषि, ये सब के सब कृष्ण अवतार में ये गोपी। बोले गोपी मतलब क्या? कोई स्त्री नहीं, कोई लड़की नहीं गोपी है। हम अभी सुनेंगे ये शंकर भी गोपी बन करके आते हैं। शंकर भी क्या कृष्ण को भोग करने के लिए? नहीं, ये जो गोपी शब्द है, गो मतलब होता है इंद्रिया और पी मतलब होता है पिना, मतलब जो लोग नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो इंद्रियों के द्वारा जो पान करते हैं, इसलिए ये गोपियों की भक्ति इतने ऊंची भक्ति है। ब्रह्मा भी यही गोपी भाव को प्रार्थना की। शंकर जो सत्यम शिवम सुंदरम जो देव देव महादेव, वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाओ तो आप देखना, वृंदावन जब जाए जरूर गोपी स्वरूप का दर्शन करना। वो दिन में तो शिवलिंग की दर्शन है, आप देखना शाम होने पर रोज शंकर जी को गोपी रूप में सजाया जाता है। शंकर जी रोज गोपी रूप धारण करते हैं, इसलिए गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, जिनकी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनकी चरण की, उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण का सबसे बड़े भक्त जिनकी चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, इसलिए ये गोपियां कोई स्त्री नहीं। और जो रास लीला है ये कोई काम लीला नहीं है, इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जब ये रास लीला को वर्णना करने जा रहे, देखो वो क्या श्लोक कहते हैं, बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायां उपाश्रिता। कति रास रचया कौन है? बोले भगवान। कल मैं कथा सुना रहा था ना, भगवान का डेफिनेशन क्या है? हैं भग मतलब दाएं ऐश्वर्य, जिनके अंदर में परिपूर्ण रूप में छह ऐश्वर्य हो वो भगवान। जी भगवान नहीं है, हैं सारे ऐश्वर्य, सारे वीर्य, सारे ज्ञान, सारे बल, सारे पराक्रम, सारे सुंदरता जिनके अंदर में, हाँ जिसको ब्रह्मा कहते हैं, जिनकी केवल एक इशारा होने पर एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड जिनके शरीर से प्रकट होता है, जिनकी इच्छा से ही दुनिया में सृष्टि स्थिति प्रय होता है, जिनकी इच्छा से, वो भगवान है। वो श्री रास करने जा रहे हैं। कितने गोपियों को साथ में रास किए? बोले 16 रास के 100 करोड़ गोपियों को साथ में। फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं 16108 बटरानियां। देखो अगर एक व्यक्ति का ना 2 बीवी अगर घर में हो जाए, आप देखना घर में क्या 3 भर महाभारत चलेगा। एक पत्नी को आप देखना, एक पत्नी को पालना कितना कठिन हो, जो शादी किया आपको पता होगा। एक समय जब शादी हुई, आप देखना लड़कियां बहुत रोती हैं जब अपना ससुर घर जाती हैं, बहुत रोती हैं।
वो बहुत रो रही थी जब अपना ससुर घर में जा रही थी। परिवार समझा रहे थे भैया रो मत, कोई चिंता नहीं, बीच बीच में आ जाना, हम भी जाएंगे। लेकिन उसको रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने में पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो। देखो वो क्या कहती है, बोले जीवन में पहला बार तो मैं रो लिया, अभी जिंदगी में मैं नहीं रोऊंगा, अभी जिंदगी में तू रो, अभी मेरा रोना जी बंद है, आज कल से तुम्हारी रोना ही शुरू हो जाएगी है। इसलिए एक पत्नी को पालन करना कितना कठिन है। अगर दो घर में पत्नी हो जाए देखना रोज महाभारत होगा है। एक समय एक व्यक्ति का दो पत्नी थी। पति दिन भर काम करता है बाहर, जब घर में आता है सोचता है घर में जाने पर पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, थोड़ी मीठा पानी पिलाएगी, पास में बैठा कर रोटी चावल खिलाएगी, थोड़ा हवा करेगी। लेकिन घर में आए ना रोज घर में महावर, रोज लड़ाई घर में, पति तो परेशान। उसने सोचा इनके लिए दो मंजिली मकान बना देती हूँ, फिर तो एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर झगड़ा नहीं होगी, एक दोनों को ऊपर कर ऊपर नीचे कर दिया। अभी जो नीचे रहती है ना, पति जब काम करके आता है, वो नीचे जो रहती थी बढ़िया रोटी गर्म गर्म सब्जी चावल दाल बना करके बना और गर्म पानी लेकर के बैठी रहती थी, और पति आते ही हाथ पकड़ करके जोर जबरदस्ती घर में ले जाती थी। अभी जो ऊपर रहती थी परेशान, बोले ये रोज रोज यही काम करती है। एक दिन जो ऊपर में थी ना वो एकदम नीचे उतर कर आकर बैठ गई, बोले आज मैं दिखाती हूँ। पति जब काम करके बाहर से आए, इतने में बोले रोज रोज नीचे चले जाते, मैं ऊपर बैठी जाती रह जाती, चलो ऊपर चलो। अभी इसको हाथ पकड़ करके ऊपर में ले जा रही है। जब ले जा रही थी जो नीचे थी, बोले भैया मैं भी तो खाना पीना बना कर रखी हूँ। इतने में एक तो हाथ पकड़ करके ऊपर ले जा रही थी और एक ने टांग पकड़ ली और एक ऊपर खींच रही और एक नीचे खींच रही है। अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं बीच में बेचारा। इतने में उसको घर में एक चोर चोरी करने आया था। वो चोरी क्या करेगा, देखने लग गया भैया घर में दो पत्नी हो तो कैसे महाभारत होता। बड़े देर से उनकी झगड़ा खत्म हुई। जब खत्म हुई देखा घर में वो चोर आया चोरी करने के लिए। अभी इसको पकड़ करके सीधा पुलिस के पास में ले गए। बोले इसको क्या सजा दिया जाए। देखो चोर क्या कहता है, बोले भैया जो सजा देना सारे सजा लेने के लिए तैयारी, लेकिन मेरे को एक सजा मत दो, मेरे घर में कभी दो बीवी नहीं हो। लेकिन भगवान कितने गोपियों के साथ में रास किए, 7 करोड़। एक दिन श्री नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले घर में अगर एक दो पत्नी हो है, अगर घर में दो पत्नी होना पर घर में कितने लड़ाई झगड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण ये 16,108 पटराणियों को कैसे संभाल रहे। एक दिन श्री नारद जी पहुंचे कहां पर, द्वारका में पहुंचे। सबसे पहले नारद जी घुसे रुक्मिणी के घर में, देखा भगवान रुक्मिणी को साथ में बैठ करके वहां पर यज्ञ कर रहे थे। जब नारद जी आए, भगवान कृष्ण उनको आसन पर बैठाए, चरण धोए, पूजा की। बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए हो, अभी वहां विदाई भगवान की। फिर उन्होंने सत्यभामा जी महल में गए, वहां 16,108 महल बनी हुई थी। सत्यभामा जी जब घर में गए, इतने में भगवान कृष्ण कह रहे, बोले बाबा नारद जी आप बड़े दिनों में आए हो। नारद जी चक्कर में पड़ गए, बोले अभी अभी तो कृष्ण मेरे को विदाई दी और कह रहे बड़े दिन में आए हो। वहां पर बैठ करके भगवान बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब वहां से उन्होंने मित्र बिंदा जी के घर में गए, वहां पर भी कृष्ण अलग देखे, कृष्ण यही विदाई दिया, वहां पर देखा ये कृष्ण। कृष्ण कह रहे नारद जी आप बड़े दिनों में आए हो। वहां पर देखा, वहां पर भोजन कर रहे थे। अभी जिस घर में नारद जी गए, 16,108 पटराणियों के पास में प्रभु को अलग 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 लीला करते हुए देखा, एक लीला उन्होंने नहीं देखी। फिर तो नारद बोले हे भगवान, भगवान की क्या विभूति है, भगवान की क्या ऐश्वर्य है भगवान की। इसलिए कृष्ण जब 7 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, हर गोपियां देख रहे थे मेरे पास में कृष्ण, यही चीज अनुभूति कर रही थी। यही भगवान की माया है और यही भगवान की वैभव है, इनकी ऐश्वर्य है। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला वर्णना करने जा रहे हैं, सबको सावधान कर देते हैं, बोले भैया इसको कोई काम कीड़ा मत समझो, नहीं तो शंकर को क्यों गोपी बनकर आएंगे यहाँ पर।
शंकर जी क्यों गोपी बनकर गाएंगे? इतने बड़े देवदेव महादेव जो जोगी जोगी महाजोगी, वो क्या कृष्ण के साथ में किस लिए आए थे? गोपी बन करके। ये गोपियां कोई स्त्री नहीं, कृष्ण कोई इंसान नहीं, ये सब के सब दिव्य भगवान की भाव की ये गोपियां एक एक प्रतिमूर्ति, और ये कोई नहीं बल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान जिस समय प्रभु बंसी बट को नीचे खड़े होकर के उन्होंने बड़ी मीठी मीठी प्रभु ने बंसी बजाए, लेकिन वो बंसी में ऐसे एक अद्भुत शक्ति थी, बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहरा। कहते बंसी से कौन सा शब्द निकल रहे थे? बोले क्लिंग। आप देखना हर मंत्र से पहले क्लिंग बोलते हैं। क्लिंग में कितना अक्षर है? कितना अक्षर क्लिंग में? पंडित जी बोलो, क्लिंग में कितना अक्षर है? उसमें 5 अक्षर है, जैसे क ल कितना हो गया? 2। बड़ी ई कितना हो गया? 3। चंद्र कितना हो गया? 4। और बिंदु कितना हुआ? 5। कहते जो क्लिंग, आप देखना अक्षर करके हर मंत्र को पहले ये क्लिंग शब्द उच्चारण करते, उसमें 5 अक्षर है। ये जो 5 अक्षर है मानो इसमें ये विश्व ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कितने चीजों में ब्रह्मांड बना है? कहते 5 चीज को द्वारा विश्व ब्रह्मांड बना। वो क्या क्या है? बोले क्षिति जल विश्व ब्रह्मांड ये 5 चीज को द्वारा विश्व बना हुआ है, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश है। ये जो क्लिंग शब्द है मानो इसके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, और इसमें और कौन कौन है? बोले का मतलब होता है कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई जब दोनों मिलते हैं, चंद्र और बिंदु जब मिलन में उनको जो आनंद होता है। भगवान तो क्लिंग शब्द उच्चारण की, लेकिन राधा रानी सुन रही थी, वो बंसुर से केवल राधे 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 बाजा रही। ललिता सुन रही थी, केवल बंसुरी से केवल ललिता ललिता शब्द आ रही है, और विशाखा सुन रही थी, केवल उससे विशाखा 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 शब्द और कुछ नहीं। और जिसका जो नाम है ना वही सुन रहे थे, मेरे नाम को उच्चारण कर रहे। इतने में ब्रज गोपियों ने जो जो काम कर रहे थे, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई घर की काम कर रही थी, कोई आधा साड़ी पहन रही थी वही पर बंद कर दी, कोई एक आंख में काजल लगा कर रखी थी वो एक आंख में काजल लगा के लगी रह गई, कोई गले की हार को कमर में और कमर के करधन को उन्होंने गले में धारण कर लिया, और सबके सब गोपियां कृष्ण को तरफ में चल पड़ी। जब चल पड़े इतने में कुछ गोपियां तो निकल गई, उनको कुछ बाधा नहीं हुई, लेकिन कुछ गोपियों ने घर से निकल नहीं पाए, जिनको पतियों ने पुत्रों ने रोक लिया। बोले रोके किसको और निकल गई कौन? बोले जिनको जोग माया ने मदद की वो सब निकल गई। बोले किसको जोग माया मदद नहीं की? बोले जो स्त्रियां को शरीर में पुरुष का शरीर का स्पर्श था वो हो गया झूठा, वो भगवान सेवा में लगने का उपयुक्त नहीं, इसलिए जोग माया ने उनको रोक लिया। लेकिन रोकने पर क्या हुआ?
इन लोगों ने इतने व्याकुल हो गए, बोले हे प्रभु आपकी दिव्य रास में क्या हम सम्मिलित नहीं हो सकते, हमारा जीवन को धिकार है। इन लोगों ने जब ऐसे प्रभु को बुलाया, उसको द्वारा क्या हुआ, उनका अंदर में जो असु कुछ था कमी, वो प्रभु की विरह में वो सब के सब दूर हो गया। और शरीर को तो यहीं पर रख लिए, लेकिन ये सब के सब आत्मा शरीर से भगवान कृष्ण को पास में पहुंच गए। जब भगवान को पास में पहुंचे, भगवान उनको स्वागत करते हैं, बोले स्वागत में महाभागा, बोले हे महाभाग्यवती तुमको हमें स्वागत करता हूँ। क्यों, तुम घर में इतने बाधा विपत्ति रहते हुए भी तुम लोग ने सारी बाधा विपत्ति को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो, इसलिए ठाकुर जी सबको उन्होंने स्वागत की ठाकुर जी। और भगवान ने कहा देखो बहुत अच्छा बात है, तुम लोग आए हो, वृंदावन की स्वभाव को दर्शन करो। स्वभाव को दर्शन करते हुए तुम लोग सबके सब पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्रियों को पति भले ही जितने लंगड़े लूढ़े और निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी पतिव्रता नारी का कर्तव्य है अपना पति की सेवा करें। देखो भगवान एक अच्छी चीज शिक्षा देते हैं, कहते जो पतिव्रता नारी होती हैं पति की उनकी सेवा करनी चाहिए, पति के लिए पत्नी के लिए जो पति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति कहता है उनके लिए परमात्मा कौन है, पति ही सब कुछ है। इसलिए भगवान स्वयं ये चीज को शिक्षा देते हैं, पति क्यों कुछ नहीं हो, पत्नी की कर्तव्य है पति की सेवा करनी चाहिए। तब भगवान एक उदाहरण देकर समझाते हैं, तो देखो तुम गए कि पतिव्रता नारी की एक लक्षण, एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। गोपियों ने बोले बताओ क्या कथा सुनाओगे, बोले एक समय एक पतिव्रता नारी की जंघे के ऊपर में पति सर रख करके सो रहा था, घर में एक छोटा बच्चा था जो बच्चा केवल गुठन पर चलना सीखा है, पहले लकड़ी में सब खाना बनाते थे, अभी लकड़ी में थोड़ी देर पहले लकड़ी में खाना बनाए, अभी चूल्हे में आग धधक रही है। इतने में जो छोटा बच्चा सो रहा था उसकी नींद खुल गई और वो घुटन पर चलते 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 जो जलते हुए जो आग है ना एकदम उसको पास में पहुंच गया। अभी जो पत्नी थी वो तो घबरा उठी क्योंकि अभी अभी गिर जाएगी चूल्हे में, लेकिन पति क्या कर रहा है, पत्नी के जंघे के ऊपर सर रख करके पति सो रहा है। अभी पत्नी दुविधा में पड़ गई, अगर मैं बच्चे को रक्षा करने के लिए अगर मैं जाती हूँ क्या होगा, पति जो मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं उनको नींद खराब करना पड़ेगा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरा धर्म है पति की नींद खराब हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी। फिर सोच रही है अगर बच्चे को रक्षा करने नहीं जाऊं, बच्चा अभी चलते हुए चूल्हे में गिरने वाले, अभी मैं क्या करूं। देखो पतिव्रता नारी की कृष्ण समझा रहे हैं पत्नी को कैसे पतिव्रता नारी होनी चाहिए। अभी वो पत्नी सोच रही है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरा पहला कर्तव्य पति सेवा करना, बच्चा सेवा बाद में, पहले पति सेवा है, भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, मैं पति की सेवा नहीं छोड़ूंगी। इतने में वो बच्चा चलते चलते ना जलते हुए चूल्हे में गिर पड़ा। जब गिर पड़ा इतने में थोड़ी देरी बाद में पति की नींद खुली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, अगर मैं आपको जगाती तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाती इसलिए मैंने जगाया नहीं, बोले चलो चलो हम देखते हैं। देखो अगर पत्नी अगर पतिव्रता धर्म जाजन करती है उसमें कितने शक्ति है। देखा वो बच्चा जलते हुए आग में चूल्हे में किलकारी मारते हुए खेल रहा है, अग्नि उसको स्पर्श नहीं किया, अग्नि क्यों, उसका जो पतिव्रता धर्म थी वो पतिव्रता धर्म के सामने अग्नि भी वो शांत हो गई। कृष्ण ने कहा देखा एक पतिव्रता अगर कोई धारण करे तो उसमें कितने शक्ति, इसलिए तुम लोग पति पतिव्रता पत्नी हो जाओ, पति जो कुछ हो उनकी सेवा तुम्हारी करनी चाहिए। कृष्ण और एक शिक्षा देते हैं, देखो हर स्त्रियों को कहते अर्धरात्रि में रात्रि में घर से बाहर अकेले पत्नी को नहीं निकलनी चाहिए, कृष्ण ये शिक्षा देते हैं। देखो आप लोग सब तो इधर का उत्तरांचल चले गए, अभी आप लोग अंदर में तो थोड़ा अच्छा संस्कार है,
लेकिन अभी आप शहर में जाओगे ना, जितने गड़बड़ी है, जितने जिसको घर में जितने ज्यादा पैसा उसको घर में उतना गड़बड़ी। पत्नी कहाँ जा रही है उसको पता ही नहीं, वो बेटी कहाँ रात को बाइक उठा करके कार उठा करके कहाँ चली गई पता नहीं, ये कब घर में आएगी, और पति कहीं अलग जा रहा है। इसलिए इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है अभी? आप लोग तो इधर गाँव के ना, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत है शहर का हवा से, विदेशी के हवा से आप बहुत बचे हुए हो। आप लोग सब माताएं सर पर कपड़ा रखते हो, अपना मर्यादा को, सास ससुर पति को आप लोग सम्मान दे रहे हो। देखो ये चीज जब तक हमारे देश में रहेगी ना, हमारी सीता गीता हमारी हाँ राधा रानी इनकी शिक्षा जब तक ये दुनिया में रहेगी, समझो हम लोग संसार में सुखी और शांति में रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या समझते जानते हो, अंग्रेजियों का जो खान पान रहन सहन है, अगर हम जितने अपना पाएंगे ना उतना शायद बढ़िया होगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं, वो दुखी दुखी है। इसलिए आप अगर कभी न्यूज पेपर पढ़ो, अगर ज्यादा कहीं सुइसाइड में मरने वाले डिप्रेशन में आने वाले सारे को सारे विदेश ज्यादा अमेरिका है, लेकिन हाँ ये डिप्रेशन में ज्यादा आने वाले हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो मन का जो बीमारी कम है ना, सबसे ज्यादा भारत में। क्यों? ये सब कैसे भगवान को मानते हैं, कोई दुख कष्ट हो ठाकुर को जनाते हैं, और ये वैदिक संस्कृति को अभी हमारे भाई और माताएं अभी तक ये संस्कृति को कोई पालन कर रहे हैं, इसलिए अभी तक इधर बहुत बचा हुआ है। इसलिए कोशिश करना हमारी जो पुरानी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, तब तक हम संसार में सुखी और शांति में रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर गोपियों को उपदेश की बात बताई, इतने में गोपियां कहती हैं कृष्ण प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम्। तुमने ही सिखाया, कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद देव। तुम कौन हो? कृष्णम बंदे जगत गुरु, तुम जगत गुरु हो, कृष्णम बंदे जगत गुरु। तुमने जो इतने सुंदर सुंदर तुमने हमें उपदेश बताया, पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण तो रीझ गए, संतुष्ट हो गए, पर भगवान कृष्ण ये गोपियों को साथ में रास करते हैं। प्रभु रास करते करते एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, प्रभु जब रास कर रहे थे, लेकिन ये गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में, केवल हमारे पास नहीं, लेकिन केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है, और कृष्ण हर गोपियों के पास में भी है। जो एक आंख में काजल लगा कर आई थी कृष्ण उसको दूसरे आंख में काजल लगा दी, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधनी को गले में लगाई थी कृष्ण उनको ठीक से श्रृंगार कर दी, जो आधा कपड़ा पहनी थी कृष्ण उसको पूरा कपड़ा पहना दिए। सिखा देते हैं अगर हमें कोई श्रृंगार कर सकते है ना, कौन कर सकते हैं? हमें केवल भगवान ही श्रृंगार कर सकते हैं। कृष्ण इतनी गोपियों की चापुरासी कर रही थी, बोल रही थी गोपियां थक गई हो थोड़ी चरण दबा दूं, कभी अपना दुपट्टा को कृष्ण लिए, अगर पसीना आए ना कृष्ण उनकी पसीना को पोंछ रहे थे। देखो माताओं के अंदर में एक दोष भी है, क्या दोष जानते हो माताओं के अंदर में? अगर पति अगर पत्नी को ज्यादा प्रेम करता है, फिर वो पत्नी पति को सर पर चढ़ बैठती, कभी ये एक बहुत बड़ी दोष है। अभी गोपियों के अंदर में ना अभिमान आ गया, अरे क्यों, वो देख रही थी कृष्ण हमारे पास में और किसके पास में, यही नहीं कृष्ण, देखो कृष्ण हमें कितने प्यार करते हैं, पसीना से मुंह पोंछ रहे हैं हमारी, कहते कभी चरण दबा दो। अभी इनके अंदर में ना सौभाग्य मत प्रकट हो गया, बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम तो स्वतंत्र नायिका कृष्ण को साथ में अकेले विहार करेंगे। लेकिन अभी राधा रानी की मान हो गई, बल्कि राधा रानी देखा कृष्ण सबके साथ में, कृष्ण मेरे साथ में, क्या मैं सबके साथ में फिर बराबर हो गई? लेकिन उनका नाम राधा, राधा मतलब होता है कृष्ण में आराध्य, राधा कृष्ण भी जिनको आराधना करती है,
सर्वश्रेष्ठ कृष्ण को जो पूजा करने वाली, अभी राधा जी की मान हो गई तो राधा रानी उन्होंने रास परित्याग कर दी। कृष्ण ने जब देखा राधा ही चली गई, फिर ये रास किसके लिए? फिर कृष्ण सारी गोपियों को परित्याग करते हैं, परित्याग करके राधा रानी को मनाने के लिए राधा रानी को लेकर के चले जाते हैं। अभी कृष्ण विरह में गोपियां लताओं को, पताओं को, वृक्षों को, सबको पूछ रहे थे, हमारी श्याम सुंदर कहीं देखे हो? हमारी श्याम सुंदर कहाँ गई? ऐसे प्रश्न करते करते तुलसी को पूछे, बोले तुलसी कल्याणी, हमारे श्याम सुंदर को देखे हो? वो कुछ बोली नहीं। बोली ये क्यों बोले? स्त्री है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को डहा करती है। बोले ये क्यों बोले कि कृष्ण कहाँ गए? पृथ्वी को पूछे, बोले क्यों? बोले पृथ्वी सर्वत्र विद्यमान, बोले तुम तो कहीं देखे होंगे। हठात उन्होंने चरण कृष्ण की दो चरण चिन्ह देखे, बोले देखो देखो कृष्ण का चरण चिन्ह है। और थोड़ी दूर गए तो दोनों के बीच में एक सुंदरी, एक किशोर जी की चरण चिन्ह देखा, जिसको सुखदेव गोस्वामी जिस चरण चिन्ह को देख करके समझ गए ये चरण चिन्ह श्री किशोरी श्री राधा रानी की। बोले यही सखी ही कृष्ण को सर्वतम रूप में आराधना की है। कहती वो कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जोर से जयकर लगाओ राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी की। फिर जब आगे गए वो बीच का चरण है ही नहीं। बोले भैया कहाँ गया? एक गोपी कहती है तू नहीं समझ रही हो, कृष्ण का चरण देखो ज्यादा गड्ढा मतलब ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब क्या? बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, कृष्ण उनको अपना गोद में उठा करके ले गए। ऐसे करते 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 जब आ रहे थे, इतने में कृष्ण श्रृंगार वट में राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी। गोपियों की हई हल्ला सुन करके बोले जल्दी जल्दी यहाँ से चल जाओ, चल पड़े, क्योंकि अभी तेरे को मनाते मनाते इतना समय हो गया, अगर वो लेकर आ करके देखना तुम्हें मैं अकेला ले आया हूँ पर ये महाराज नहीं होगी। राधा रानी बोली मैं और चल नहीं पा रही हूँ, जैसे मेरे को रास से लाए थे ना ऐसे ही यहाँ से उठा करके ले जाओ। बोले कंधे पर बैठे हुए, बोले बैठा लो। जब राधा रानी बैठने के लिए गई राधा रानी, कृष्ण वही अंतर्ध्यान होते हैं और वहीं पर राधा रानी कृष्ण विरह में वहीं पर बेहोश हो जाती। फिर गोपियां आकर के राधा रानी की होश दिलाती हैं, बोले चलो कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा है, हम जमुना किनारा में बैठ कर उनकी हम भजन करेंगे। जो गोपियों ने गाए ना इसका नाम है गोपी गीत, और ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, अगर आप कहीं भी ये गोपी गीत गाओ ना भगवान रह ही नहीं सकते, भगवान को वहां प्रकट होना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग रोज रोज हो सके तो कोशिश करना, रोज रोज घर में गोपी गीत गाओगे उसी घर में भगवान बांके बिहारी जरूर वहां पर बांके बिहारी आएंगे। प्रभु जी अभी दो तीन लाइन आपको गोपी गीत श्रवण कराएंगे। I'm
भगवान कृष्ण रह नहीं सके, गोपियों के बीच में मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर के प्रभु प्रकट हुए। जब प्रकट हुए किसने उनको चरण पकड़ लिए, किसने बाहु पकड़ लिए, किसने तांबुल मांगे, किसने गलवेहनिया दिए और भगवान को बड़े सुंदर गोपियों ने अपना चुनरी उतार करके आसन बनाए और भगवान को बैठाए। तब गोपियों ने कृष्ण को प्रश्न करते हैं, बोले कृष्ण तीन तरह के लोग होते हैं। पहला नंबर है जो भजन करने वालों को जो भजन करता है, दूसरा नंबर है करे नहीं करे तभी नहीं करता तब भी वो करते हैं, तीसरा नंबर है करे नहीं करे उसका कोई मतलब नहीं है। बताओ ये तीनों में तू कौन हो? अभी ध्यान देकर सुना, कहते गोपियां जो भजन करने पर भजन करते हैं ये बढ़िया है। जैसे 100 रुपया लेकर के दुकान में गए, 100 रुपया दिया, 100 रुपया की सामान दे दिया, यहाँ प्रेम नहीं है। 100 रुपया दिया, 100 रुपया की सामान दिया, यहाँ पर कोई प्रेम नहीं। इसलिए भजन करने पर जो करते हैं वो बढ़िया, करे नहीं करे तभी करते हैं ये कौन है? बोले पिता माता। ये चीज को ध्यान देकर थोड़ा सुनो, करे नहीं करे जो प्रेम करते हैं वो कौन है? पिता माता। देखो पिता माता भले ही बेटा जितने नालायक हो जाए, जितने नालायक बेटा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन माँ क्या समझती है पिता कि मेरा ही बेटा, ये बेटा किसकी बेटा है, ये मेरा बेटा है। एक समय को ये प्रेमिका प्रेमिक को बोला, बोले देख तेरे को तभी मैं प्रेम करूंगी अगर तू अपना मैया की दिल को अगर ले आए तो। वो उसका प्रेम में पागल था, गया अपना मैया को मारा, मार करके अपना मैया की दिल को लेकर के आ गया। जब जा रहा था इतने में प्यार ठोकर खा कर कहीं गिर पड़ा। देखो माँ की हृदय कितने महान है, मैया की दिल को लेकर के जा रहा है, जब ठोकर खा कर गिर गया मैया का दिल से आवाज आ रही है, बोले बेटा कहीं तेरे को चोट तो नहीं लग गई, कहीं तुमको चोट तो नहीं लग गई। देखो जितने बहू है ना, आपको विशेष करके बता रहा हूं, कभी कभी जब हम शादी करके घर में आते हैं उसमें क्या होता है, पति को ऐसे हम फुसलाते हैं, वो पति और पिता माता का नहीं रहता है, पत्नी की बन जाता है। जिस पिता माता तुमको मैया ने तुमको 9 महीना तक तुमके गर्भ में धारण की, जिसमें इतने प्रसव पीड़ा को जिसने सहन की, स्वयं जो गिली में सो करके तेरे को सुखे में सुलाया, जिसकी मुंह की आहार निकाल करके तेरे को खाना खिलाया, जिसने सारे पैसा दे करके, आप पता होगा बच्चे को आप कितने कष्ट से बड़े करते हो। और एक दिन एक घर में बहू आ गई और पिता माता कुछ नहीं हुए, बहू सब तुम्हारे सब कुछ हो गई। हाँ देखो बहुओं को ये याद रखनी चाहिए, हम भी एक दिन सास ससुर बनने वाले हैं, ये चीज अच्छे तरह से याद रखो, हम भी एक दिन सास ससुर बनेंगे। अगर इतना बड़ा पत्थर किसको फेंको ना, इतने बड़े पत्थर तुम्हारे लिए रहेगा, ये चीज को अच्छे तरह सीख लो। इसलिए दूसरी चीज है, जैसे पिता माता की सास ससुर की हमें आदर करनी चाहिए, और दूसरी चीज जो सास है वो भी कान खोल कर सुन लो। ऐसे नहीं बहू आ गई कोई शत्रु आ गई, बहू आई तो किसको, अपना बेटी जैसे देखो, बहू का अपना किस रूप में, किस रूप में देखो बहू को, अपना बेटी रूप में बहू को देखनी चाहिए, बहू भी अपना सास को अपना माँ रूप में देखो, सारे झगड़ा खत्म, सारे झगड़ा खत्म खत्म हो जाएगी नहीं, यहीं पर तो गड़बड़ी होती है ना। अपना बेटी को साथ में जैसे व्यवहार करते हैं, बहू को साथ में व्यवहार करो, तुम अपना मैया को जैसे देखते हो अपना सास को देखो, बस सारे लड़ाई खत्म है। हाँ इसलिए यहाँ पर कि दूसरे तरह का व्यक्ति कौन है, कहते ये पिता माता है जिनके हृदय में, जिनके हृदय में हाँ पिता माता के प्रति जिनको बड़ा स्नेह है, हाँ इसलिए पिता माता बच्चे के प्रति जो स्नेह है। बोले तीसरे तरह का कौन है, बोले तीसरे तरह का व्यक्ति चार तरह के होते हैं, आत्माराम, आपकाम, गुरु द्रोही और अकृतज्ञ, ये चार तरह के। कहते कन्हैया तू तो आत्माराम आपकाम है ही नहीं, हमारे बगैर तो रह नहीं सकते हो, लगता है तू गुरु द्रोही हो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम का गुरु है ना राधा रानी है, राधा रानी से तुमने सारे प्रेम को तुमने राधा रानी से सीखे हो, राधा रानी से सारे प्रेम को तुमने सीखे हो, तुमने बंसुरी बजा करके हमको बीच रात में तुमने बुलाया, और यहाँ पर बुला करके तुमने क्या की, बीच रात में हम स्त्रियों को छोड़कर तू कहाँ चले गए। जब ये बात बताए तब कृष्ण कहते हैं हे गोपियां मेरे को ऐसे मत समझो, हमें ऐसे मत समझा करो। प्रेम का दो पहलू होता है,
एक विरह है और एक मिलन है, एक विरह है और एक मिलन है। मिलन में क्या होता है, ऊपर ऊपर से मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, दिन रात उसमें डूब जाते हैं। जैसे देखो पति जैसे घर में है, पति घर में है, देखना धीरे धीरे ना प्रेम घटते आता है। पहले पत्नी कैसे लगती, बोली ये तो चंद्रमुखी, कुछ दिन बाद में फिर सूरजमुखी, कुछ दिन बाद में फिर ज्वालामुखी, हैं? फिर लड़ाई झगड़ा घर में, हैं? लेकिन अगर वही पति अगर बाहर रहता है 6 महीना में, साल में, 2 साल में आता है, देखना कितना सेवा हुई। और दिन रात पत्नी पति की चिंता में दिन रात डूबी रहती है, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, अभी तक नहीं आए, हैं? तब आज जब दूर में रहते ना, देखना दिन भर पत्नी पति की सेवा चिंतन, पति भी पत्नी की चिंतन करते हैं। लेकिन घर में रहने पर क्या होता है, अरे घर में है जब मिल जाएंगे ना, घर में तो है, बोले एक गिलास पानी उठा लो, बोले उठाकर पी नहीं पाते, उठाकर पी लो ना, ये प्रेम घटती जाती है। कृष्णा कहते गोपियां तुमको हमने जो छोड़ा है ना, केवल तुम्हारी प्रेम को वो दुनिया में दिखाना चाहता था, तुम्हारी मेरी प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, कितने बड़ी चीज है, ये चीज को मैंने दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको छोड़ा। तब तो मैंने नहीं छोड़ा, नहीं तो जब गोपी गीत गाय में बीच से प्रकट हुआ ना, कहां से हुआ, पहले मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे बीच में बैठा हुआ था। फिर कृष्ण जब समझाए, फिर भगवान महारास करते हैं, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और स्वर्ग से सारे देवता लोग उतर करके आ गए। कोई बजसरी बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई मजीरा बजा रहा है, और गोपियों की चरण की नुपुर की झंकार से, अलंकार की झंकार से झंकृत हो रहा था भगवान कृष्ण। बड़ी सुंदर मीठी 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 बंसरी बजा रहे थे। इतने में बंसी ध्वनि जब कैलाश में पहुंचा, इतने में श्री भोले बाबा भी रास दर्शन करने के लिए, श्री भोले बाबा भी आए। जोग माया ने कहा देखो यहाँ तो एक ही पुरुष कृष्ण है और यहाँ पर सबके सब गोपी है, ये पुरुष शरीर से तुम अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले फिर बोलिए ब्रह्म कुंड में स्नान करो। स्नान करते ही शंकर जी सुंदर एक गोपी रूप धारण किए, बोले उनको ईशान कोने में बैठा है, बोले यही सही आप रास दर्शन करना। कृष्ण तो घटघटवासी सब जानते हैं, बोले आज रासों में कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है यहाँ पर कोई अनधिकारी व्यक्ति आया। गोपियों ने ढूंढ लगे, ढूंढते ढूंढते देखा कुंज में एक नई सुंदरी कोई गोपी बैठा हुआ। बोले भैया तेरे गांव का, तेरे सास का नाम क्या, तेरे ससुर का नाम क्या, तेरे खसम का नाम क्या, वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है। शंकर तो कुछ बोल नहीं पाए, वो समझ गए भैया यही बैठा हुआ। शंकर जी को वहां से निकाले चोटी पकड़ करके, जब निकाले इतने में शंकर जी पौर्णमासी को बुलाए, इतने में पौर्णमासी आ गए, बांके बिहारी भी आ गए। बोले शंकर जी बोले तुम भी आए हो, बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में इच्छा हुई तेरे रास दर्शन करूं, तेरे साथ में नृत्य करूं। बोले शंकर जी आप तो ऊपर में गोपी रूप धारण किए लेकिन हृदय में आपकी वो भाव नहीं। देखो शंकर जैसे व्यक्ति फिर तुम्हारी हृदय में भी भाव नहीं, इसलिए बोले आज से तुम ये गोपीश्वर महादेव रूप में यहाँ पर पूजा मिलेगा। जो कोई मेरे वृंदावन में आए जब तक तुम्हारी आदेश नहीं ले ये वृंदावन में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए नियम है जब हम वृंदावन में जाए जरूर श्री गोपीश्वर महादेव को हमें दर्शन करने चाहिए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी प्रभु जी भजन सुनाएंगे रास की। देखो श्री शंकर जी की एक सुंदर स्तुति है, आप लोग हो तो मेरे बाद में लिख करके ले जाना, क्योंकि शंकर जी दो चीज देते हैं जिसको ऊपर में शंकर जी सही सही कृपा नहीं करते ना, ये दुनियादारी वस्तु देकर बांध देते हैं, लेकिन जिसको शंकर जी सही सही कृपा करते हैं भगवान की प्रेम प्रदान करके जीव को ये जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकाल करके प्रभु के पास ले जाती, यही शंकर जी की प्रकृति कृपा। इसलिए शंकर जी को बताया सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, जगत गुरु शंकर जी, इनकी कृपा से ही जीव को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति इनकी कृपा से मिलती है। देखो इनके जब स्तुति है, बोले श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरम देवम
बृंदारण्यमृति प्रदम बृंदावन बनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नारद गोपीश्वर ब्रज विलास जुगाग्रि पद्मे प्रेम प्रजा चलित राम निरुपाधिकावे। देखो जो शंकर जी की पूजा करते हैं ना, आप इसी मंत्र से पूजा करना। देखना शंकर जी आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे, ठाकुर के पास में शंकर जी ले जाएंगे। और शंकर जी से जब मांगो यही चीज मांगो, हे शंकर जी हमें जो भक्ति रस में आप डूबे हो उसका एक बूंद हमें दे दो, एक बूंद से ही हम सराबर हो जाएंगे। क्यों? शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है। इसलिए बाद में हो तो ये श्लोकों को जो चाहते हो बाद में हमसे लिख करके ले जाना। मतलब ब्रज विलास जुगांग्र पद में, मतलब ब्रज में जो विलास करते श्री बांके बिहारी राधा रानी, इनके चरण में हमें अहित प्रेम इनकी भक्ति प्रदान करो शंकर जी। बोले श्री भोले बाबा भगवान राधा सुकुमारी संग
I'm not afraid.
समाप्ति हो गई, श्री नारद जी आए, बोले प्रभु जी आप क्या कर रहे हो।